Hello everyone and a very warm welcome to Siksha. So guys, we are here with another social protection welfare scheme, and the scheme that we are going to cover today in this particular lecture is PM Daksh, Pradhan Mantri Dakshata aur Kushalta Sampann Hitgrahi Yojana, PM Daksh. फुल फॉर्म्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन इनके ऊपर फॉर्म हो सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है. स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, चलिए कवर करते हैं. तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें पीएम दक्ष की, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देखो वेरियस कम्युनिटीज की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो स्पेशली सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, एससी ओबीसी डीएनटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स हो गए, सफाई कर्मचारी जिसके अंदर वेस्ट पिकर्स वगैरह सब आ जाते हैं. तो काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं. अब ये जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर आप देखोगे मोस्ट मेनी पीपल या जो टारगेट ग्रुप्स हैं इकोनॉमिक एसेट्स नहीं होते हैं, बहुत कम इकोनॉमिक एसेट्स होते हैं, ठीक है. तो मिनिस्ट्री क्या कोशिश कर रही है कि इनको ट्रेन करके ना इनकी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव किया जाए, जिससे इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जा सके, इनके स्किल्स को इम्प्रूव करने की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है. अब 2020-21 के अंदर बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही थी जिसके अंदर ओबीसीज ईबीसीज डीएनटीज को असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही थी स्किलिंग के लिए. 2021 में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या किया, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने पहले तो एससीज सफाई कर्मचारी वेस्ट पिकर्स वगैरह को भी इंक्लूड किया इन स्किलिंग स्कीम्स के अंदर, और इस इन सारी स्कीम्स को क्लब करके एक नई स्कीम बनाई पीएम दक्ष योजना. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारे का सारा इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पैसा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, ठीक है. तो 2020-21 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई, और अल्टीमेटली इसके अंदर जो एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अंदर आपके शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग. अपस्किलिंग और रीस्किलिंग क्या होता है कि जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, या नए स्किल्स आ गए हैं उसके लिए काम करना चाहते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है जी. और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कॉन्स्टिट्यूट किया है. उसके अलावा और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को भी लेकर के आया जाएगा, जो टॉप क्लास प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एससी ओबीसी ईबीसी डी नोटिफाइड ट्राइब्स सैनिटेशन वर्कर्स इंक्लूडिंग योर वेस्ट पिकर्स मैनुअल स्केवेंजर्स ट्रांसजेंडर्स, इन सबको इसके अंदर इंक्लूजन मिलेगा. इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन तीन कॉर्पोरेशंस करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ही आते हैं. एक तो हो गया आपका नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछ सकता है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड. ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं या जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसके अंदर कोई भी फीस नहीं देनी है. फीचर्स की बात करें तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ईयर बाय ईयर बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे वो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों होंगे, जो पीएम कौशल योजना के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एम्पैनल करेगी. उसके अलावा जो कैंडिडेट्स इस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं उनकी एज 18-45 के बीच में होनी चाहिए. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे. स्टिपेंड भी मिलेगा, जो ट्रेनीज यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे स्कीम के अंडर उनको एक स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा. तो अगर हम स्टिपेंड की बात करें तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे 1500 रुपये पर महीना, सफाई कर्मचारी कैंडिडेट्स जो होंगे उनको 1000 रुपये पर महीना जो है मिलेगा. सॉरी 1500 एससी और सफाई कर्मचारी के लिए है, एंड 1000 रुपए जो है वो ओबीसी ईबीसी डीएनटी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है. 1500 एससी और सफाई कर्मचारी, 1000 ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी कैटेगरीज के लिए, ओके. ये अगर कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए आता है. अगर कोई अपस्किलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आ रहा है, यानी कि ट्रेनी जो है वो ऑलरेडी इंप्लॉयड है लेकिन वो अपने स्किल्स को अपस्किल करना चाहता है, तो उनको भी स्टिपेंड दिया जाएगा क्योंकि वो अपनी नौकरी को छोड़ करके उसका वेज लॉस हो रहा है. तो यहां पर जो अपस्किलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आ रहा है जो ऑलरेडी इंप्लॉयड है उसके लिए स्टिपेंड थोड़ा ज्यादा रखा गया है.
तो उस केस में ₹2500 दिए जाएंगे पर पर्सन इफ दे बिलोंग टू एससी ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी कैंडिडेट्स, एंड सफाई कर्मचारी और जो वेस्ट पिकर्स हैं उनके केस में ₹500 पर कैंडिडेट होगा। ओके उसके अलावा असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर स्किलिंग प्रोग्राम, ताकि वो लोन लेकर के जो अभी हमने देखा ना 3 कॉर्पोरेशंस एससी सफाई कर्मचारी वाले जो फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हैं उनसे पैसा भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा असिस्टेंस की फॉर्म में, ताकि वो अपने वेंचर्स स्टार्ट कर सके। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर दक्ष स्कीम, एंड इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोज में इन स्कीम्स को हम कवर करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सारे आपके कवर हो रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिए, जिस जिस स्कीम के वीडियो देख लिए, अगर उस स्कीम पे अगर क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं होगा, आपका ये गारंटी है। ओके चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर करो। टेक केयर।